मीठी मसालेदार मिक्सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू अल्पाहार, मेरा नाम अल्पा शाह है। आज मैं एक मसाला काजू की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही झटपट और आसानी से हम घर पे बना सकते हैं रोस्टेड मसाला काजू। बाजार से आधी कीमत में हम घर पे बना सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, किटी पार्टी हो, फेस्टिवल हो या किसी के घर पे हमें देना हो तो बहुत ही आइडियल है। सिर्फ 10 मिनट में बन जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये आधा किलो काजू लिए हैं। देखिए, अच्छी क्वालिटी के काजू लेना है हमें और रूम टेम्परेचर वाले यानी फ्रिज वाले हमें नहीं चाहिए, जो बाहर ही नॉर्मली रहते हैं वही काजू लेने हैं। अगर फ्रिज वाले आप निकाल के उसका यूज करेंगे तो उसमें मॉइस्चर बहुत ही रहता है और लंबे समय तक हम इसे रख भी नहीं पाते। मसाला काजू के लिए एक मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। सबसे पहले मैंने ये 1 टीस्पून काला नमक लिया है, 1/4 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर, साबुत काले मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक का हमें खास ख्याल रखना है क्योंकि हमने चाट मसाला और काला नमक दोनों ही लिया है, इसलिए नमक हम संभाल के डालेंगे। 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी। ये सारे मसाले पाउडर फॉर्म में ही है लेकिन इस तरह से मिक्सी में डालने से ये एक रस हो जाते हैं, एक सार हो जाते हैं, इसीलिए हमें एक बार इसे पीस लेना है। इसके साथ मैंने ये 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी ली है, घर की नॉर्मल चीनी को मैंने पीस लिया है, उसे हमें अलग ही रखना है, मसालों के साथ मिक्स नहीं करना है। देखिए मसाला अच्छे से प्रिपेयर हो गया है और सारी चीजें अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। काजू को रोस्ट करने के लिए मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून जितना शुद्ध देसी घी ले लिया है। आप तेल में भी बना सकते हैं लेकिन हमें जो भी तेल या घी जो भी यूज करें वो एक बार यूज किया हुआ नहीं लेना है, फ्रेश वाला जो होगा वही लेना है। घी को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, जैसे ही घी डाला है हम काजू भी डाल देंगे। आंच को एकदम धीमी ही रखनी है और अब धीमी आंच पर ही हमें इसे करीबन 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करते हुए रोस्ट कर लेना है। हल्का गुलाबी कलर आ जाएगा तब तक। ये देखिए एक घी का लेयर सब काजू के ऊपर आ गया है। बस अभी स्लो आंच पे ही, एकदम स्लो आंच पे ही हमें इसी तरह चलाते हुए करीबन 7 से 8 मिनट हम इसे रोस्ट कर लेंगे। लगातार चलाना जरूरी है क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे स्लो आंच पे तो एक तरफ से काजू बहुत ही ज्यादा लाल हो जाएंगे। हमें इवन कलर चाहिए, इसके लिए हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। अभी 5 मिनट हो गई है, हल्का हल्का सा एकदम गुलाबी रंग आने लगा है, हल्का सा है। अभी मैं इसे और 2 मिनट रोस्ट करूंगी। काजू में परफेक्ट क्रंचीनेस आना चाहिए तो ही खाने के लिए मजा आता है। ये देखिए हल्के हल्के गुलाबी होने लगे हैं। मार्केट में तो अब आजकल बहुत सारे फ्लेवर्स के काजू मिल रहे हैं, मसाला काजू। आपको कौन से फ्लेवर पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैंने ये तरह के मसाला काजू बनाए हैं, अगर आपको पर्टिकुलर कोई रेसिपी देखनी है तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। देखिए हल्का गुलाबी रंग आ गया है, आपको नजदीक से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। टोटल 8 मिनट हुए हैं इसे मुझे रोस्ट करते हुए स्लो आंच पे ही। अब 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पैन में चलाती रहूंगी।
एक मिनट के बाद मैं इसे बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। बोल में ट्रांसफर करने के बाद तुरंत ही हमने जो मसाला प्रिपेयर किया था वो डाल देंगे ताकि ये गरम ही अच्छा सा कोट हो जाए। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, वैसे मसाला काजू कितनी जल्दी हम बना सकते हैं। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए अब हमें चीनी मिलानी है, लेकिन अभी हम नहीं मिलाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ढकना भी नहीं है। अगर हम ढकेंगे तो इसकी गर्माहट की भाप की वजह से फिर से काजू में मॉइस्चर हो जाएगा और हमारे काजू फिर सॉफ्ट हो जाएंगे। हम इसे ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मसाला काजू अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, ये देखिए एकदम ठंडे हो जाने चाहिए, उसके बाद ही हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। गरम काजू में अगर हम चीनी डालेंगे तो चीनी अपना पानी छोड़ देगा और हमारे काजू फिर से मॉइस्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये आसानी से मिक्स भी हो जाते हैं ठंडे होने के बाद। खट्टा मीठा तीखा चटपटा सा हमारे मसाला काजू बनके तैयार है। देखिए कितने मजेदार लग रहे हैं और पूरे ड्राई भी हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल घी नहीं लग रहा है, एकदम अच्छे से रोस्ट भी हो गए हैं। मैंने इस तरह से एक अच्छे से जार में, एयरटाइट जार में पैक कर लिए हैं। ये देखिए कितने मजेदार। आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर से बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।